यार इस 50-50 के चक्कर में मेरे दिमाग में 100% कन्फ्यूजन हो गया। लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने का एक ही रास्ता है। एक जादू ही पौधा है, जैसे कोई भी मैजिकल शक्तियों वाला प्राणी इस पौधे के पास आए तो इस फूल का कलर गुलाबी से पीला हो जाएगा। अब जैसे ही देवू भैया इस पौधे के पास आएंगे उनका सच सामने आएगा। भैया दीदी आप लोगों ने खाना खाया क्या? पार्टी तो ऊपर हो गई है। नहीं नहीं। तो चलो खा लेते हैं। लेकिन गिरपड़े जी हमें पता तो लगाना चाहिए ना कि वो किडनैपर्स हैं कौन। अब जब तक वो किडनैपर्स पकड़े नहीं जाते हम लोग चैन से कैसे बैठ सकते हैं? आज खुशी किडनैप हुई है, कल कोई और बच्चा हो सकता है। ओम तुम्हें बरोबर बोलते हैं करुणा जी, दूध से दही बनता है लेकिन मुझे दाल चावल में घी ज्यादा पसंद है। नहीं ये तो बात अलग है, मैं ये कह रहा था कि मैं उन किडनैपर्स को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, बस एक सुराग की जरूरत है। हाँ, एक मिनट विवान, दो मिनट इधर आना। भैया आप लोग खाना खाइए, मैं आता हूँ। नहीं नहीं विवान, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम जाके आओ। भैया आप खाना खाने शुरू कीजिए ना, मैं दो मिनट में आ जाऊंगा। अरे विवान हम साथ में खाते हैं। नहीं देखो भैया मेरे को भूख लग रही है, चलो ना खाना खाते हैं। देखा भैया दीदी को भी भूख लग रही है, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं दो मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है जाओ। अरे विवान इधर आओ। हाँ आया। चलो दादाजी। तो गिरपड़े जी को बता बेटा कि खुशी दीदी तुझे कब किस हालत में कैसे मिली थी। पूरा बता बेटा ताकि इन्हें किडनैपर्स के बारे में कोई सुराग मिल जाए। बरोबर। नहीं मिलेगा कोई सुराग। हैं? क्या? क्या बोल रहा है? मेरा मतलब सुराग इससे नहीं मिलेगा क्योंकि किडनैपर्स ना बहुत स्मार्ट थे। स्मार्ट क्या, वो ओवर स्मार्ट थे। अरे विमान मुझसे ज्यादा स्मार्ट अखे भारत में, मतलब अखे भारत नगर में कोई है क्या? तू बता बता कुछ तो बता। तो दीदी मुझे अकेले ही मिली थी पीछे आंगन में। आंगन में? बस दो कदम और देवू भैया का सब पता चल जाएगा। अरे ये रुक क्यों गए? अरे ये टेप पता नहीं कहां से आ गई। ठीक है विवान तुम देखना, मैं उन किडनैपर्स को छोड़ूंगा नहीं। क्या नहीं? हाँ मेरा मतलब हाँ गिरपड़े अंकल जरूर पकड़ सकते हैं। हाँ। उनके टेबल्स को आफ्टर ऑल कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। करेक्ट है करेक्ट है। लाओ तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। फूल, ये इतना सुंदर फूल किसने रखा है यहाँ पे? सत्यानाश। क्या सत्यानाश? किसका सत्यानाश? किला बस का सत्यानाश हो, चिट्टा बस का सत्यानाश हो। बराबर। मेरे कहने का मतलब ये था ताकि वो दोबारा ऐसा काम कर ही ना सके। हाँ। फूल अब मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है,
मतलब अब उसकी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेगी और उसका रंग भी नहीं बदलेगा। सब पोपट हो गया। तुम्हें याद है सर कल जब बाल परी ने मुझे एक दिन का बालवीर बनाकर परीलोक से बाहर निकाल दिया था तो तुमने ही मुझे शरण दी थी। गलतियां तो भगवान से भी होती, मुझसे भी हुई थी। मैं जानती हूँ सर्वकाल, मुझसे गलती हुई है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारने के लिए एकदम तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। तो फिर आजाद करो मुझे। जरूर करूंगी। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगी, लेकिन उससे पहले सर्वकाल तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि वो धरती पर छुपी हुई शक्ति कौन है जो मुझे मारना चाहती है और मुझे कहाँ मिलेगी। उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और मुझे भरोसा है कि तुम अपनी मुंह बोली बेटी को निराश नहीं करोगे, है ना? सर्वकाल किसी पिच्छू पर भरोसा कर सकता है तिमनासा, लेकिन तुम पर नहीं। लेकिन हर पिच्छू का एक दिन अंत हो जाता है, तुम्हारा भी होगा। इतना याद रखना तिमनासा कि कभी कभी मौत नकाब पहनकर भी आती है। तुम्हें कैसे पता उस नकाब पोष शक्ति के बारे में? देवू भैया, ये लो, मेरे फूल का तो फुल स्टॉप हो गया। क्या हुआ विवान, किस सोच में डूबे हो? क्या आपने दीदी को धक्का दिया? अरे नहीं विवान, मैं क्यों खुशी को धक्का दूंगा, वो तो मेरी प्यारी बहन है। वो गलती से पैर में टेप चिपक गई और बैलेंस चला गया, इसलिए धक्का लग गया। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वैसे टेप से एक शेर याद आ गया। अर्ज किया है, अगर मेरे पैर में टेप चिपकता नहीं तो ये फूल खुशी को मिलता ही नहीं। वाह 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 वाह, आदा बादा बादा बादा। वैसे विमान, ये फूल तुम लाए कहां से? आपको कैसे पता चला कि ये फूल मैं लाया हूं? मैंने तो सिर्फ अंदर से लगाया। तुम नहीं लाए तो माँ लाई होगी, मैं माँ से पूछ लेता हूँ। भैया 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 भैया, ये फूल मैं ही लाया हूं, वीर लोक से। और आपको पसंद है तो मैं एक और ले आऊंगा। हम एक नहीं, दो लेकर आना। एक हम लिविंग रूम में रखेंगे और एक हमारे कमरे में। बहुत ही अच्छा फूल है। वैसे ये जितना ब्यूटीफुल है, क्या इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी है? हाँ? अच्छा। अरे ये फूल से तो मुझे एलर्जी हो गई, ये फूल दोबारा मत लाना। लो। अच्छा। ओके ओके भैया, मैं भूल के भी ये फूल कभी नहीं लाऊंगा। लेकिन अभी आप कमरे में चलकर रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है। अच्छी। मोनू, मेरा ये प्लान भी फ्लॉप शो हो गया। इस फूल से देवू भैया को एलर्जी है, अब मैं उनकी शक्तियों का टेस्ट कैसे करूंगा? देवू भैया, क्या हुआ देवू भैया, कहीं आपने फिर से चूहा तो नहीं देख लिया? अच्छा, चूहा नहीं। समझ गया, मैं अभी आपके लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट लेकर आता हूँ। आपकी आंखें अभी बंद। रुको विवान, पर ये देखो। ओह नो, लगता है कोई रूम में आया था। रूम किसी ने पूरा तहस महस कर दिया है। ओह नो भैया, चलो देखते हैं, कोई कीमती सामान तो चोरी नहीं हुआ। हाँ। अलमारी में से कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ। यहाँ से भी कोई कीमती चीज चोरी नहीं हुई। इनफैक्ट एक गुल्लक भी नहीं। कोई दिखा गया विमान? नहीं।
तो फिर ये कमरे में क्या कोई बिल्ली आई थी? भैया आज तक इतनी बड़ी बिल्ली पैदा नहीं हुई जो अलमारी का दरवाजा खोल दे और इतना बड़ा टेबल गिरा दे, ये सब तहस नहस कर दे। हाँ राइट, तो फिर कौन आया था कमरे में? कोई चोर या फिर कोई चोर नहीं। अच्छा ये रहस्य अब कोई नहीं जान पाएगा कि भारत नगर में ऐसा कौन है जो विवान की पल पल की खबर मुझ तक पहुंचा रहा है। लेकिन ये रहस्य हमें पता है क्योंकि भारत नगर में आपकी जो जासूस है उसका नाम है नागिनी। सही कहा था मैंने? ऐसा मुझे नहीं लगता अब देवू पे मेरी नजर रखने की जरूरत है। तुम्हें गलत लगता है भैमार, क्योंकि काल लोग की एक कहावत है, अगर लंबे समय तक जिंदा रहना है तो अपने दुश्मन की पल पल की खबर रखनी चाहिए। अच्छा, मेरी कहावत के हिसाब से तो अपनी लंबी उम्र के लिए हमें तुरंत दुश्मन को खत्म करना चाहिए जिससे कि वो एक पुरानी खबर बन जाए। यही तो मैं भी चाहती हूँ भैमार, इसलिए तो मैंने उस नकाब पोश का नकाब उतारने के लिए अपना अगला चक्रव्यूह रच दिया है। तो आप इस चक्रव्यूह के बारे में खुद बताएंगे या फिर हमें किसी से जासूसी करवानी पड़ेगी आपकी? अरे वाह विवान, हमारे पास तो बहुत अच्छी जादुई शक्ति है। ऐसी सुपर पावर्स मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता। इसी पावर से तुमने खुशी को बचाया ना, है ना? मैंने अकेले नहीं, नकाबपोश दोस्त ने भी मेरी मदद की दीदी को बचाने में। नकाबपोश दोस्त? दोस्त है वो? तुम्हारा दोस्त है तो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अरे विवान, अगर तुम यही जानना चाहते हो तो पूछ लो ना उसी से कि भैया काहे मुंह पे गमछा डाल के घूमते हो। मैं पूछने ही वाला था लेकिन उससे पहले वो दोस्त अपने घोड़े पर बैठकर निकल गया। घोड़ा नहीं, बाइक। आपको कैसे पता चला कि वो बाइक पर आया था? आजकल तो लोग सिर्फ शादी में अपने घोड़े पे जाते हैं ना, वरना सब लोग तो बाइक पे ही घूमते हैं। अब तुम्हीं ने तो बताया कि नकाबपोश बाइक पे आया था। मैंने कब कहा भैया? अरे विवान, तुम्हीं ने तो अभी बताया कि वो बाइक पे आया था। नहीं भैया, मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने बाइक नहीं घोड़ा ही बोला। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कहने का मतलब नहीं था मेरा। नहीं नहीं, तुम्हारा मतलब तो ये हुआ ना विवान। अरे नहीं, अरे अरे अरे, क्या डिस्कशन चल रहा है दोनों भाइयों में? अच्छा खैर, जो भी तुम्हारा सीक्रेट डिस्कशन चल रहा है ना उसे अब बंद करो और जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है और कल सुबह मार्केट से सामान भी तो लाना है ना। हाँ चलो चलो जल्दी। मेरी तरह टिम्मी आंटी भी उस नकाब पोस्ट के बारे में सोच रही होगी। नहीं तमन्नासा, ये योजना बहुत खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं, ये योजना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और मुझे मरते हुए नहीं देख सकते? मैं किसे पसंद करता हूँ और किसके साथ मेरी वफादारी है ये तुम अच्छे से जानती हो, पर हाँ तुम अभी काल लोक की भैरानी हो। हाँ, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा और सुरक्षा का ख्याल दोनों ही मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस योजना से सहमत नहीं हूं। बड़ी बाजी जीतने के लिए भैमार बड़ा जिगर होना चाहिए।
मेरे मुंह से सच में बाइक निकला था विवान। अरे ये क्या मतलब बालवीर भी मार्केट में बैंगन टमाटर ये सब खरीदने जाता है? भैया भले ही मैं पूरी दुनिया के लिए बालवीर लेकिन अपनी फैमिली के लिए तो एक नॉर्मल बेटा पोता और भाई हूँ ना। यहाँ तक कि अगर स्कूल के होमवर्क में मुझसे कोई गलती होती है ना तो नॉर्मल बच्चों की तरह मैं भी मुर्गा बनता हूँ। तुम मुर्गा बनते हो लेकिन मुर्गा बन के कुकड़ू को बोलने से अच्छा है कि तुम जादू से अपना होमवर्क खत्म कर लो। भैया किसी समझदार इंसान ने मुझे समझाया कि बालवीर की शक्तियाँ अपने मजे या फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए होती है जिसे परोपकार कहते हैं। ओ मतलब जूस वाले की दुकान में जूस वाला ही प्यासा बैठा रहे। भैया मैं सोच रही थी तेरी भैया तो दीबू बोले उनका दिमाग ना थोड़ा सा पंचर हो गया है तो क्यों ना हम विवान का बदला पीछे ले ले। आइडिया तो मस्त है चिंटी। वैसे भी विवान देवो भैया को इतना प्यार करता है कि अगर देवो भैया को चोट लगेगी तो आउच विवान के मुंह से निकलेगा। तो चलो भैया लैट शुरू किया जाए। किसी भी किसी ग्रेट इंसान ने कहा है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन के बराबर ही होता है। हाँ चिंटी चलो फिर। भैया एक मिनट लिस्ट देख लेता हूँ। ओह भैया अब देखिए ये लिस्ट कितनी बड़ी है। एक काम करते हैं आप खेड़े अंकल की शॉप से आधा सामान खरीद लीजिए और सब्जियाँ बाहर में सब्जी मार्केट से खरीद लेता हूँ। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया विवान। फिर हमें टाइम मिलेगा तो हम क्रिकेट भी खेलेंगे। हाँ लाओ जा। छिड़ा जी दिवाली जी गोपू है कोई? जो काम रात के अंधेरे में नहीं करते वो दिन दहाड़े कर रहे हो शर्म नहीं आती? तुम What the heck, डबू? तुमने एक बार मुझे डस्टबिन बोला मिस पूने रिजेक्ट बोला बहुत तक मैंने सुनिया पर तुमने आज लिमिट क्रॉस कर दिया। तुमने मुझे चोर बोला। हाँ तो मैंने गलत कहाँ बोला? ये सुपरमार्केट थोड़ी ना है छेड़ा जी की किराने की दुकान है और तुम यहाँ पे चोरी छुपे सारा सामान उठा रही हो। देखो अरे हेल्प 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 ये लड़की चोरी के साथ सीना चोरी भी कर रही है। देखो हेल्प करो भाई ये दुकान लूट लेगी। अरे ये 2000 का नोट दिख रहा है ना ये मैंने उधर रखा था एडवांस पेमेंट के तौर पे। कॉलेज के लिए लेट हो रही थी इसलिए शॉपिंग कर रही थी चोरी नहीं। सॉरी तुम सिग्नल क्रॉस करने से पहले लेफ्ट राइट देखते हो? हाँ उसी तरह कभी कभी अपने ब्रेन का यूज भी कर लिया करो किसी को चोर बोलने से पहले ठीक है? वैसे सुनिए छेड़ा जी की दुकान में आपने चोरी नहीं की मतलब मेरे कमरे में जिससे तहस नहस की वो आप नहीं। ओ हेलो हेलो सॉरी बोल के उससे भी बड़ी इंसल्ट कर रहे हो। मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे रूम में? अरे ऐसे छेड़ा जी आए तो प्लीज ये पैसे उनको दे देना ठीक है? हाँ भैया अब विवाद के देवो भैया का तो किया करने का सॉलिड आइडिया मिल गया। कौन सा सॉलिड आइडिया चिंटी? आप बस देखते जाओ। तिमनासा तुम्हारी योजना के मुताबिक हमने भारत नगर में वो यंत्र लगा दिया है। बहुत खूब अब उस यंत्र से कोई नहीं बच सकता। अब नकाब हटेगा और चेहरा दिखेगा बालवीर का।